जय जिनेन्द्र, मैं प्रीति जय कमिटी मेंबर ऑफ बीएनएनओ भाईंदर ब्रांच। इस बार लॉकडाउन में रेलवे टीम ने कुछ अनोखा प्रयास किया जो है बुक्स एक्सचेंजिंग का। बुक्स एक्सचेंज हमने क्यों की है और उससे हमें बहुत से फायदे भी हुए हैं। बुक्स एक्सचेंज करने से हमने बहुत से पेपर्स बचाए हैं और उससे बहुत से ट्रीज भी बचे हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हुआ है। और जो हमारी नीडी पीपल थी जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें भी बुक्स मिलके बहुत हद तक हेल्प हुई है। वो कहते हैं ना, गिव ए बुक गेट ए बुक। पढ़ने वाले को बुक्स मिल गई और बुक्स को उसका रीडर भी मिल गया। पूरा दिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे गेम्स भी खेलने लग गए थे, जिससे उनकी आंखों पे भी बहुत असर पड़ रहा था और बुक्स मिलने के बाद उनकी पढ़ाई और भी अच्छी होने लग गई। और इन सब में सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि हमारा ज्ञानवर्णीय पुण्य बढ़ा। जिनेन्द्र, मैं अमीषा भाईंदर से VNNO ग्रुप समाज को हमेशा ऊपर लाने की कोशिश करता है। VNNO ने बुक एक्सचेंज का बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे भी यह काम करके बहुत अच्छा लगा। करीबन 1200 विद्यार्थियों ने अपनी पिछले साल की पुस्तकें यह साल के बच्चों के साथ एक्सचेंज की है। पीपल्स रिव्यू। आई अप्रिशिएट VNNO टीम फॉर देयर कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग ऑब्लाइजिंग सर्विस टू अस। आई थैंक VNNO टीम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर एफर्ट्स ऑफ बुक्स एक्सचेंजिंग। I got this book during lockdown just because Team VNNO. Thank you so much. मैं ममता कोलंकी बोल रही हूँ भाईनर से। मैं बुक के लिए VNNO ग्रुप को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। मैं दीपिका जैन भाईंदर से मैं VNNO को थैंक्स कहती हूँ। मुझे टेक्स्ट बुक मिल गई है। थैंक्स VNNO फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू अंजना मैम। मेंबर से रिक्वेस्ट है कि स्कूल की कोई भी स्टेशनरी, रेनकोट जो भी अच्छी कंडीशन में हो, वो आप प्लीज फेंको मत। किसी भी VNNO मेंबर्स को बोल के कलेक्ट करने को बोलो, क्योंकि ये सारी चीज सबको काम आ सकती है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम VNNO की तरफ से सबको थैंक यू सो मच।